स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम वापस से खेलने जा रहे हैं मेटल द हॉरोस्केप। जी हाँ, हम ये गेम वापस से खेल रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इसका नया अपडेट आया है क्रिसमस का, और पता नहीं क्या आया है बट लास्ट चैप्टर तो नहीं आया इतना तो पता है। तो रिसेंटली हमने इसका यूजिन चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने अभी भी वो चैप्टर नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम वापस से एलन का पार्ट खेलने वाले हैं। पहले ट्राई में तो हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद जाके पहला पार्ट कंप्लीट किया था। बट अभी पहले पार्ट में इन लोगों ने कुछ नए चेंजेस किए हैं, तो अब देखते हैं इन लोगों ने क्या नई नई चेंजेस किए हैं। तो खैर अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी गेम को सीधा स्टार्ट करते हैं। ये तो ऐसे प्रकार का मैं काम करता हूँ, मैं इसको जल्दी से स्किप कर देता हूँ और गेम स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे आधी चीज़ें पता है। तो यहाँ पे एक लॉक पिक है, अब इस लॉक पिक की मदद से यहाँ पे एक केज को मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ से निकलते बाहर। और हाँ, निकलेंगे बट अलग तरीके से निकलेंगे। ओके, यहाँ पे एक है और यहाँ पे आठ है, और अब मुझे यहाँ पे एक हैमर ढूंढना है। ओके, यहाँ पे नहीं है तो इसके नीचे ये रहा। अब इस हैमर को मुझे इधर मारना है क्योंकि इसके अंदर की है जो कि हमें मिल चुकी है। इसकी को मैं जल्दी से यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मेटल सॉ और टेप मिल चुकी है और अभी वो आता ही होगा, तो पहले टेप लगा दी है। और अब यहाँ पे हम चले जाते हैं अंदर। और मैनियक फाइनल आ गया। वो भाई मैनियक तो बुढ़ा हो गया यार। भाई बुढ़ापे के दिन आ गए तेरे यार, इतने बुरे दिन आ गए यार। भागने में ध्यान रखना, नहीं तो लगवा वो कम आ जाएगा, कोई बचाना भी नहीं आएगा, मैं तो फोर हो जाऊंगा तुरंत। और तेरी यादाश्त और नजरें भी कमजोरी हो गई होगी। मुझे ये ध्यान रखना है कि आप मुझे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छोड़नी, मुझे सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रख देनी है। तो अब हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, तो यहाँ पे इसको खींच दिया है। और अब इसको खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एट, और एक साइड दो है और सामने वन। ओके, 3821। ओके, अब इसको लगा के देखते, 3821। अब इसको खोलो। ओके, खुल चुका है। अब यहाँ पर मैं डोर को ओपन कर देता हूँ और अब चलते हैं अंदर। और उई यूजिन के बाहर सुनो मैंने, खैर यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे एक यहाँ पे कुछ है, लीवर है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो पहले लीवर को लगा के आते हैं। ओके, ये रहा, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको घुमाओ और रेंच हमको मिल चुका है। और अब वापस से चलते हैं अंदर। और अब ये टॉयलेट की सीट है, अब इसको मुझे खिसकानी है। तो यहाँ पे रेंच से मैंने ये बॉल निकाल दिया है और अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ओके, कुछ नहीं, गिफ्ट से ओके, थोड़ा बहुत तो घर से है। और ऊपर चीज गिरा दिए। और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है बट उसको भी पता चल चुका है, और यहाँ पे क्रोबार भी मिल चुका है। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने केज के अंदर, बट उससे पहले कंट्रोल पैनल को मैं बंद कर देता हूँ। भाई डोर को बंद करना तो मैं भूल गया था। ओके, डोर को बंद कर देता हूँ। ओ भाई, हम टाइम पर पता चल गया, नहीं तो वो आता तब पता चलता। ओके, अब जल्दी से चलते केज के अंदर, वो भी आता ही होगा। वो भाई ऐसे टाइम में भाई सारे काम बहुत जल्दी करने पड़ते हैं, वो तो शुक्र मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें पता है। और इसके पैरों की आवाज़ आ रही है और ये आ गया है। आई होप कि मैंने कोई भी चीज़ ना छोड़ी, वो तो शुक्र है टाइम पे मैंने डोर बंद कर दिया, नहीं तो डोर के चक्कर में मरता। खैर मेन बात ध्यान दे। और इसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, अब इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। भाई जब ये मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया तब इसको लगवा मुझे क्या मज़ा आएगा यार, तब मैं भी रुक के देखूंगा भाई इसको। खैर अब वो चला गया, तब यहाँ से हम भी निकलते हैं बाहर। और अब ये कैलेंडर को है, इसको निकालो। और क्रोबार से यहाँ पे पिकेक्स का एक पार्ट निकाल दिया है। और अब इस कैलेंडर को मैं वापस से लगा देता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ मुझे वापस से नहीं छोड़नी, उसको सही जगह पे रखनी है। और ये डोर को ओपन करना तो मैं भूल गया था, फिर पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करते। ओके, अब ठीक है, अब चलते हैं अंदर। भाई मैं तो ऐसे ही गुजर जा रहा हूँ। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे कमोड की सील खोली है। ओके, यहाँ पे बोल है, यहाँ पे दोनों निकाल दिए। और अंदर मेरे को ओके सेकेंड पार्ट भी मिल चुका है। तब यहाँ पे मैं पहले पिकैक्स बना लेता हूँ। और ये रही वो जगह, और यहाँ पे हमारी पिकैक्स रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा डर है क्योंकि यार जब भी मैं पिकैक्स मारा है तो शोर होता है। आई होप कि ना हो, यहाँ पता चल गया उसको। खैर अब चलते हैं अंदर, बट उससे पहले यहाँ पे कंट्रोल पैनल को बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ। और अब चलते हैं अपने केज के अंदर। ओके, मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, ओके कैलेंडर भी अपनी जगह पे है। तो अब चलते हैं अंदर, और अभी वो आता ही होगा और अपने साथ शायद से कोई चीज़ लेके आया होगा, शायद से एलिवेटर की लेके आया होगा या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है शायद से। अब कुछ बचा तो नहीं है। ओके, ये आ चुका है। ओके, इस बार गिफ्ट रैप के साथ आया है। ओके, तो इसने ये बॉक्स को इधर ही रख दिया। अब शायद से इज्जत से चला जाएगा।
ओके, ये तो काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है धीरे धीरे। खैर मैं इसकी झूठी तारीफ कर रहा था, ये कब यही सुधरेगा। सेकेंड कुछ भी नहीं है यार, तू काम में खा टेंशन कर रहा है यार समथिंग्स तू भाई। यार रॉन्ग भाई हियर तू पेक लगा के सो जाना यार। गॉड डैम इमेजिनेशन अब चल निकल निकल। तो चला गया, तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या है। शायद एलिवेटर की हो सकती है। सुनी क्या, बोल्ट कटर? बोल्ट कटर का भी कोई काम है? खैर शायद से कुछ तो है। खैर पहले डोर को मैं ओपन कर देता हूँ। आखिर बोल्ट कटर से कौन सी चीज़ बच रही है? खैर अंदर चल के देखते हैं, शायद से हमें पता चल। ओ यार ये चेन को कांडा में भूल गया था। ओके यहाँ पे डोर बोल्ट मिल चुका है और ऊपर का पानी भी हमने निकल दिया। अरे यहाँ पे तो कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो ये लीवर कहाँ पे मिलेगा? अंदर चेक करते। ओ ये रहा भाई, मैं सोच रही हूँ वहाँ पे लीवर निकला क्यों नहीं। ओके तो अब हमारी सारी चीज़ मिल चुकी है, तो अब अपना काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से मैं जल्दी से बोल्ट लगा दिया है और यहाँ पे एलिवेटर को बुलाते हैं। अरे यार लीवर कहता तो मैं भूल ही गया था। ओके तो यहाँ पे मैं लीवर कह देता हूँ और अब एलिवेटर को बुला लेते हैं। फक और अभी वो आता है और हमारी लिफ्ट भी आ रही है, उसके साथ ही साथ इसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगी। आई मीन पहले तो नहीं बदती थी। हेलो भाई क्या हाल है? तो अभी इधर ही पड़ा हुआ है। ओके तेरे ऊपर भी थोड़ी सजावट की है, थोड़ी लाइटिंग डाल दी वो भी तेरे ऊपर। ओके हमारी लिफ्ट आ रही है, तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो वो भी आता ही होगा। टाइम खत्म हो चुका है, वो आता ही होगा। अरे आ जा आ जा, अभी भी ये बहुत धीरे आती है। उसको पता चल चुका है डोर अंदर सब बंद है। लिफ्ट आ चुकी है आज की, बस मैं अंदर चला जाऊँ। अच्छा चल चल, घुस जाएगा तू आराम से। हो घुस गया घुस गया। तो अभी जल्दी से आम लगा दो, इसको खींच दो। ओके गुड बाय मिनियक, नया अपडेट आए तो बताना ज़रूर। तो क्या अब यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है? ओके वो जगह ये कहीं पे। ओके ये रही, अब यहाँ पे मैं पिक्सिस को तोड़ दिया है और यहाँ पे एक और रास्ता है। और अभी सीवर के थ्रू चलते हैं। ओके एक सामने एक नंबर, कौन सा 5 5 नंबर है। अब इधर की साइड चलते हैं और यहाँ पे शायद से मैं दूसरी जगह से स्केप कर पाऊँगा। ओके नीचे जाने का भी रास्ता है, बट मैं यहाँ पे जाऊँगा। ओके मेटल सॉ से इसको काट दिया है और यहाँ पे लैडर। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि हम कहाँ पे आए हैं। अरे ये खुल क्यों नहीं रहे? ओ मैं ज़्यादा चिपक के बैठा था। ओके खुल गया और अब यहाँ पे हम बाहर। ओ भाई हम तो यूजिन की जगह पे आ चुके हैं। ओ यहाँ पे ये एक सीवर है। ओके पपी क्या हाल भाई? ये तो बड़ा फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है, शायद से इसका पपी हो सकता है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, यूजिन के ऊपर तो भड़कता था। तो ठीक है अब यहाँ से निकलने का रास्ता सोचते हो कि यहाँ पर स्नो मैन है। ओके एक से अंदर ये क्या है? अबे मेरा कैमरा एंगल ठीक से नहीं आ रहा। ओके यहाँ पे एक रैबिट फेस मास्क है जिसको मैं बाहर से नहीं ले पा रहा, तो इसको लेने के लिए मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा। तो ओके खोल के देखते हैं इसको। ये क्या है? पासवर्ड? एक सेकंड, पासवर्ड तो मुझे एक ही पे ही मिलता था। ओ हाँ यही पे ही मिलता था। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। खैर अंदर चल के देखते। ओ भाई पूरा एरिया खाली है यार, और ये झोपड़ा टूटा हुआ। एक 7 नंबर है, मुझे नीचे 5 नंबर मिला था और यहाँ पे 7 नंबर मिला है। तो शायद से ये इसी डोर के तो नहीं है ना? तो क्या मुझे लास्ट नंबर ढूंढना है? क्या मैं यहाँ पे बाहर जा सकता हूँ? तो स्किप तो वैसे ही भी हो जाएगा। ओके यहाँ पे मैं घूम सकता हूँ बट यहाँ पे स्किप नहीं हो पा रहा है इसका, तो यानी कि इसका स्किप को और ये। ओके यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, यानी कि मैं नहीं आ यहाँ पे भी आ सकता है। मैं तो यहाँ पे चला जा रहा हूँ। यहाँ पे भी गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और इसमें कुछ नहीं है। कि मैं ज़्यादा एक यहाँ पे स्टेयर्स है, यहाँ पे चल के देखते हैं और यहाँ से चलते हैं ऊपर, शायद यहाँ पे कुछ मिलेगा। एक सेकंड यहाँ पे भी गिफ्ट और इसमें भी कुछ नहीं। एक ओ दो, तो यानी कि 572, ठीक है तो शायद से यही कोड हो सकता है। तो एक बार मार के आता है। ओके यहाँ पे भी एक स्नोमैन है, इसको ध्यान से देखते हैं। स्नोमैन काफ़ी क्यूट है। गांड देगा का इतनी गौर से सुन ओके रहा। इसका भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाय स्नोमैन। अब हम यहाँ से निकलते हैं। ओके ये इमली वाली जगह, और ये गेट खुला हुआ है। बट एक मिनट, अगर गेट खुला हुआ है तो लगता है शायद से इमली भाग गई होगी, और अगर वो भाग गई होगी तो वो सीधा यूजिन या फिर एलन के कमरे में जाएगा ना। बट वो तो किसी के कमरे में नहीं गया, बट खैर छोड़ मेरे के, मैं पहले ये गेट खोल देता हूँ। 572। ओके अब इसको अगर ओपन, ओके ये खुल चुका है। तो यहाँ पे ऐसा अच्छा और भी कुछ हो सकता है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे ये रैबिट का फेस मास्क ले लिया। ओके इससे होगा क्या? मेरे को कुछ पता तो नहीं है, शायद इसने पहनने के लिए भूल लिया होगा, आई डोंट नो। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं, और अंदर भी इतना कुछ खास है नहीं, तो
लगता है शायद से यहाँ पे स्किप नहीं है, या फिर मेरे को वापस से सीवर के नीचे जाना पड़ेगा, बट उससे पहले यहाँ पे चेक करते हैं। अरे भाई ये रूम भी पूरा खाली, और यहाँ पे शायद से बिजली बिगड़ गई है, बिजली की आवाज़ तो आ रही है। ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया आखिर करना क्या है यार। मुझे लगता है शायद से मेरे को सीवर में ही जाना है। ओके चलते हैं, और ये चले नीचे, और शायद से ओ ये रहा। ओके मैं सामने से आया था, तो अब मेरे को राइट साइड पे जाना है, और यहाँ से सीधा नीचे जाना है मेरे को। ओके चलते हैं यहाँ से नीचे, और ओके वो रहा सामने जाने का। एक सुन यहाँ पे आवाज़ आई, लगता है सबसे इमली यही पी है। मैं काम करता हूँ, मैं लॉक पिक से इस लॉक को मैं खोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं और इमली हम दोनों यहाँ से फरार हो गए, और ये स्केप को हमने इमली को बचाते हुए कंप्लीट कर लिया है।